मतलब ये मेरा फाइनली ड्रीम बाइक था और ये कंफर्म 100% बुक है, बट हिमालयन है यार, इसकी तो बात ही चल गई क्या। एक दुख खबर भी है, फिर हम हो जाएंगे रवाना ले लद्दाख के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी ब्लॉग्स। आ चुके हैं मैं और नए वीडियो के साथ। तो आज अपना एक हिमालयन का टेस्ट ड्राइव है। तो मुझे हिमालयन एक्चुअली बहुत पहले से लेना था, तो मैं आज जा रहा हूँ टेस्ट ड्राइव, मैंने बुक किया है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं तुरंत जाके बुक कर दूंगा। अभी बज रहा है फिलहाल 3 और शोरूम बंद हो जाता है 4 बजे। एक्चुअली 2 बजे की बुकिंग थी, बट सो गया था मैं तो 3 बज गया उठते। फिर अभी फटाफट जाएंगे हम लोग, टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा है वो बाइक। टूरिंग बाइक है इसलिए मुझे लेना है, तो टूरिंग बाइक मुझे बहुत पहले से चाहिए था क्योंकि मेरे को टूर करना बहुत पसंद है, तो अपन वही वाली बाइक लेंगे। तो फटाफट कैमरा सेटअप करते हैं हेलमेट में और जाते फटाफट। तो चलो, ये अपनी GoPro की बैटरी है, इसको चार्ज कर दिया अपन, तो इसको भी ले लेते, क्या पता कितना टाइम जाएगा वहाँ पर, तो काम आएगा, बिकॉज GoPro ज़्यादा बैकअप भी नहीं देता है, तो इसको ले लेते अपन। फिर उसके बाद गोरिल्ला ट्राइपॉड भी ले लेते, चाबी। तो चलो, फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं हिमालयन का टेस्ट ड्राइव लेने। तो अभी बज रहा है 3:30, 4 बजे तक जो रॉयल इनफील्ड का शोरूम है वो बंद हो जाता है, तो अपने को फटाफट जाना पड़ेगा बिकॉज लेट हो गए हम लोग, 2 बजे ही जाना था, हर जगह लेट हो जाते हैं अपन। अच्छा लगेगा तो वहीं पे जो भी उन लोगों का पेपर वर्क करके देखेंगे कैसा क्या है। तो चलो फटाफट जाते हैं। फाइनली हम लोग रॉयल इनफील्ड शोरूम तो पहुंच गए, अभी पीछे है रॉयल इनफील्ड शोरूम जैसे कि आप देख रहे हो। तो हम लोग जाएंगे, थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों की मैंने बुकिंग किया है कि नहीं, मुझे कम्फर्टेबल लगा कि नहीं। तो चलो मिलते सीधा रॉयल इनफील्ड शोरूम के अंदर। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव करने। ब्रो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये मैं अपने लाइफ में पहली बार रॉयल इनफील्ड हिमालयन चला रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, कुछ ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत सही लग रहा है ब्रो मैं जब टेस्ट ड्राइव के लिए आया था स्टार्टिंग में, तो मैं बहुत नर्वस था बिकॉज मुझे डर लग रहा था कि मैं चला पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हिमालयन चला रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर पहुँचेगा कि नहीं एंड ऑल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट पहुँच रहे हैं और लॉन्ग राइड पे भी बहुत जल्दी जाएंगे यार। अब एंड एक कन्फर्म बुकिंग कर दूंगा मैं, होप आप लोगों को व्यू अच्छा आता रहेगा। देखते एक राउंड मार के आते अपन। ये सब अपने को ही देख रहे हैं अपन सिग्नल पे खड़े, तो ऐसे लग रहा है ब्रो सेलिब्रिटी बन गया हूँ एक्सेस पे खड़ा रहता था तो कोई नहीं देखता था, बट हिमालयन पे हर कोई देख रहा है। फाइनली सिग्नल से तो निकल चुके अपन, देखेंगे कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक राउंड मार के आते फटाफट, थोड़ा गली गली मार के जाएंगे। मतलब ये मेरा फाइनली ड्रीम बाइक था और ये कंफर्म 100% बुक है, 110% बुक है, आज ये बुक हो जाएगी, बट कलर मुझे दूसरा चाहिए, लेक ब्लू पहले मैंने सोचा था कि लूँगा, बट लेक ब्लू नहीं लूंगा मैं, ब्लैक मैट कलर लूंगा। तो अभी फटाफट जाएंगे, वो लोग भी मेरा वेट करते रहेंगे, बिकॉज ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड वो मतलब वो लोगों का शोरूम भी ऐसे जगह पे ना कि पूरा घूम के जाना पड़ता है, ऐसे वहाँ से कुछ रास्ता नहीं है, इसलिए
मुझे ये वाला रास्ता लेना पड़ा बिकॉज ये थोड़ा शॉर्टकट है, वरना हाईवे से पूरा मुझे घूम के आना पड़ता था। भूखे ब्रो, 110% भूखे। मैं सिग्नल पे खड़ा था, सब मुझे ही देख रहे थे, पूछ रहे थे कैमरा लगाया है क्या। ऐसे एक्सेस पे रहते हो तो कोई पूछता नहीं, हाँ भाई ठीक है, देख के इग्नोर कर देते। बट हिमालयन हिमालयन है यार, इसकी तो बात ही अलग है क्या। अब छाएंगे, थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसा है। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि एक महीने में मुझे बाइक मिल जाना चाहिए, बिकॉज लॉकडाउन के वजह से बाइक का बहुत इशू हो रहा है, कोई भी बाइक अवेलेबल नहीं मिल रही है। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है एक महीने में मिल जाना चाहिए। देखेंगे अपन जाके कि क्या सीन है। कंफर्टेबली कूट कूट के भरा है इसमें। जब मैं टेस्ट ड्राइव के लिए आया था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं चला पाऊंगा कि नहीं, चला पाऊंगा कि नहीं, बट कुछ भी हार्ड नहीं है यार, एकदम ईजी है, बच्चों का खेल है ऐसा लग रहा है। फाइनली अब भी हम लोग रॉयल इनफील्ड शोरूम से निकल चुके हैं और 4 बजे ये लोगों का क्लोजिंग टाइम रहता है। हम लोगों के बुकिंग के लिए ये लोग रुके थे और फाइनली 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 अपनी हिमालयन बुकिंग हो चुकी है। एक खुश खबर तो आ गई है, बट एक दुख खबर भी है। दुख खबर ये सिग्नल के बाद बताएंगे, पहले सिग्नल चला जाए। खुश खबर तो आपने सुन ही लिया, बट अब दुख खबर सुनिए। दुख खबर, भगवान जी भी एकदम अलग है, दुख और सुख का कॉम्बिनेशन बना के भेजे। एक दुख खबर लो तो एक सुख खबर भी लो। दुख खबर ये है कि गाड़ी हमारी आएगी भैया 4 महीने बाद। अब हमको वेट करना रहेगा 4 महीने तक। मैं सोचा था 1 महीने में आ जाएगी, फिर हम हो जाएंगे रवाना ले लद्दाख के लिए, बट भैया ये तो हमको फंसा दिए पूरी तरह से। बट ठीक है, कोई नहीं, हम वेट करेंगे, 4 महीने बाद जाएंगे, तब तक हम अपने जमा कर लेंगे गियर। अभी जैसे कि मेरे पास राइडिंग जैकेट नहीं है तो वो ले लेंगे, उसके बाद एक टैंक बैग ले लेंगे। पैनियर तो मैंने हिमालयन के साथ बुक कर लिया है, टैंक बैग लगेगा मुझे और एक टॉप बॉक्स बस। फिर उसके बाद गाड़ी आई, उसके बाद हम 2-3 ऑफ रोडिंग करेंगे, फिर उसके बाद वो जाएंगे रवाना ले लद्दाख के लिए। तो अभी मजा आएगा ना वीडो। गाड़ी ये मैं कब की बुक कर देता, बट प्रॉब्लम हर महीने आ रहा था मेरे पास, कुछ ना कुछ खर्चे हो रहा था। अभी लास्ट मंथ मेरा 25,000 रुपीज खर्चा हो गया, कॉलेज फीस, देन हेलमेट, माउंट, फिर बारिश आई थी तो रेनकोट एंड सर्विसिंग, ऐसे छोटे मोटे खर्चे 25,000 रुपीज हो गया। तो और अभी भी आधा कॉलेज का फीस नहीं भरा है। तो फिर उसके लास्ट मंथ कुछ ना कुछ काम आ गया था, ऐसे छोटे मोटे काम आ गए थे, इसलिए मैं बुक नहीं कर पा रहा था। आज तो एक खुशखबरी हमें मिल गई, बट कल मिलने वाली एक और खुशखबरी, वो कल वाली खुशखबरी के लिए कल तक वेट कीजिए। ये गाड़ी पे मैंने 22,000 कंप्लीट कर चुका है एंड एक साल भी नहीं हुआ मुझे, और एक साल में दूसरी गाड़ी ले लिया हमने खुद के पैसे का। हाँ, खुद के पैसे का। एक साल में हमने एक और गाड़ी बदल ली, अगले साल अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो हम एक और गाड़ी बदल लेंगे, हर साल गाड़ी बदलेंगे। बट अब देखेंगे। मैंने सब इन्फॉर्मेशन लिया, जैसे कि BS3 और BS4 में बहुत प्रॉब्लम था, बट BS6 में बोल रहा है कि अभी तक एक भी प्रॉब्लम नहीं आई, 1.5 साल हो गया बोल रहा था वो, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक BS6 में। एंड एक चीज अच्छा नहीं लगा कि अभी हम लोग बुकिंग किए तो अभी उसका प्राइस था 2,57,000 रोड प्राइस, तो फिर अगर गाड़ी हम लोगों को 4 महीने बाद मिलेगी तो उसका प्राइस तभी अलग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसमें अगर कुछ फीचर्स ऐड होते हैं तो जो भी होगा तो हम लोगों को प्राइस उस टाइम ऐड होके मिलेगा। तो वो बोल रहा था कि जैसे कि अभी रॉयल इनफील्ड हिमालयन का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो तो बोल रहा था कि प्राइस बढ़ेगा ही। तो जहाँ तक कि ये मैंने लोन पे लिया है गाड़ी, तो ये मुझे जहाँ तक कि अभी तक 3,12,000 में मुझे पड़ा है, एंड जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आगे जाके और महंगा होने वाला है ये, बिकॉज डिमांड में गाड़ी 4 महीने के बाद गाड़ी मिलना मतलब मजाक तो नहीं है। चेन्नई से मंगा रहे हो लोग, चेन्नई से, देखेंगे क्या है। बढ़ना चाहिए बस, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 2-3 हजार रुपए बढ़ेगा तो एडजस्ट हो जाएगा, 10-20 हजार बढ़ा देंगे तो फिर क्या ही मतलब है। हाँ, और 3,12,000 में मुझे विदाउट पैनियर, हाँ विदाउट पैनियर मुझे मिला है, पैनियर उसका प्राइस अलग होता है, तो ये भी एक चीज है। विदाउट पैनियर 28,500 का वो लोगों का पैनियर था और उस पर 20% डिस्काउंट,
तो जो भी है मुझे लग रहा है 22-23,000 समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, देखेंगे। तो बस एंड करते हैं आज का व्लॉग, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।